नमस्कार, ये एक 25 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और ये जानना चाहते हैं कि मेरी जीवन में आगे बढ़ने में इतनी बाधा क्यों आ रही है, क्यों इतना मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है और धन की स्थिति कब जाकर सही हो पाएगी। ये इनका मुख्य प्रश्न है पैसे को लेकर, और करियर में ये पूछना चाहते हैं कि उन्नति कब से होगी। ठीक है सर, मैं आपके सारे क्वेश्चन को लेते हुए अपने रीडिंग में शामिल करते हुए आपका एक सीरियस रीडिंग चालू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ आपका बुध का उंगली का। तो बुध का उंगली जो है आपके सूर्य के उंगली के फर्स्ट फैलेंज से थोड़ा सा नीचे है। जब ऐसा देखा जाता है तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें थोड़े से इन लोग कमज़ोर देखे जाते हैं। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं देखो, जब आपकी दोनों उंगली को कंपेयर करके देखता हो, शनि एकदम सीधा खड़ा हुआ है और बुध एकदम छोटा ऐसा लग रहा है, तो ऐसे समय में इंसान को क्या होता है, ऐसे लोग जो है अपनी बोली भाषा में डिप्लोमेट नहीं हो पाते हैं। और दूसरा चीज़, ये तीनों चीज़ कनेक्शन देख रहा हूँ मैं आपका, आपकी माइंड लाइन को भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो माइंड लाइन भी काफ़ी उलझी हुई सी माइंड लाइन है आपकी। अब इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इस माइंड लाइन में, ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक पूरी डार्क होके चल रही है, ऊपर से ऐसा कंडीशन जब देखने को मिलता है तो ऐसे लोग होता है शनि एकांत प्रिय बनाते हैं और ये अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुल के सामने नहीं रख पाते हैं अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके अंदर में रहता है। और इनके अंदर में एक अजीब सा कसमकस दिमाग में चलते रहता है कि मतलब पहले से ही एज्यूम कर लेना कि नहीं, ये मेरे को नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसा बोलना मेरे लिए गलत हो जाएगा, ऐसी जो भावना, यानी कि अंडर एस्टिमेट करने की क्वालिटी इन तीनों कॉम्बिनेशन के कारण से इंसान के अंदर ज़्यादा होती है, माइंड डिस्टर्बेंस रहता है ऐसे लोगों का। ठीक है, दूसरा चीज़ हम बात करते हैं आपका सूर्य की उंगली पे। सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली लगभग बराबर है, तो ऐसे लोग जीवन में निर्णय लेने के लिए या डिसीजन जो भी लेते हैं वो फास्ट लेते हैं, ऐसे लोगों की तरक्की फास्ट होती है। लेकिन आपकी तरक्की फास्ट इसलिए, अब देखो उम्र के हिसाब से अगर मैं बोलूं, आप एक MNC में काम करते हो जैसा आपने बताया और आपकी एज 25 साल है, तो और आपने जॉब भी स्टार्ट की है 20 के आसपास में, तो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी चली हैं, आपकी तरक्की तो आपको फास्ट मिली है अगर आप सोचें तो। हाँ ठीक है, आपने धन के मामले में आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम है, वो चीज़ आपकी माइंड लाइन पे भी दिखती है, आपकी जीवन रेखा पे भी बहुत कट लगा हुआ है, तो उससे पता चलता है। और मेरे को ऐसा लगता है आपके हाथ देख के पारिवारिक रूप से आप ज़्यादा परेशान हो, परिवार का बंधन या बोल सकते हो परिवार का रोड़ा है आपके हाथ में, तो वो है तो अब वो रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी आपकी लाइफ में, ऐसा दिखता है आपका हाथ पे। मैं उस पे भी बात करूँगा जब खास करके धन रेखा पे आऊँगा, तो ये चीज़ें भी आपके साथ में है, तो ये गलत नहीं है, ये चीज़ें आपके जीवन में घटी हैं। जल्दी एज में आप जॉब करने लगे, अपने पैरों पर खड़ा हो गए, तो ऐसे लोगों को जल्दी प्रोग्रेस मिलता है। सेकंड चीज़, शनि की उंगली पे जैसे मैंने बताया एकदम स्ट्रेट खड़ा है, तो ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं, ऐसे लोग न्याय प्रिय होते हैं, अन्याय के खिलाफ बोल उठते हैं और हमेशा न्याय के फेवर में रह के काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी मेहनत, शनि मेहनत का मेहनती ग्रह है, ये बहुत मेहनत कराता है इंसान को, तो ऐसे लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ये भी देखा जाता है। और साथ में इसमें देखो गुरु की उंगली हल्की सी शनि साइड में झुक के चल रही है, तो ऐसा जब चलता है तो आदमी धार्मिक भी होता है, अपनी कुल मान मर्यादा का ख्याल रखने वाला होता है, ऐसा इसके अंदर में सोच आता है। अब देखिए बात करते हैं आपका अंगूठे पे। तो अंगूठा मध्यम अंगूठा है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, मध्यम अंगूठा है। और आपकी इच्छा शक्ति की फैलेंज भी ठीक ठाक है और तर्क शक्ति का भी फैलेंज ठीक ठाक है, तो कोई बहुत ज़्यादा देखो इसमें मैं बहुत ऐसा कुछ एबनॉर्मल नहीं दिखता है या एक्सेप्शनल भी नहीं दिखता है जिसमें कि मैं बात करूँ। हाँ, आपकी इच्छा शक्ति अच्छी खासी रहेगी, मंगल का भी पर्वा ठीक ठाक है, तो आप अपना जो भी एम बनाते हैं उस एम को हासिल करने के लिए काफ़ी प्रयत्न करते हैं, शनि आपको मेहनत का गुण देता है और आप उसको हासिल कर लेते हैं, ये नहीं बोल सकता कर लेंगे ये ज़रूर बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी धन की रेखा निचले हिस्से पे नहीं है, ठीक है, तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है अभी, इसके कारण से आपके मन में यह मानसिक बेचैनी आ रही है, आपका एफर्ट्स पूरा हो रहा है लेकिन आपको रिजल्ट उस लेवल का नहीं आ रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी माइंड लाइन डिस्टर्बेंस दिखा रही है, क्योंकि मानसिक पीड़ा दे रही है और भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा है। आप अपना साइड से पूरा कर्म करते हो लेकिन भाग्य लास्ट टाइम में पलटी मार रहा है, तो ऐसा होता है ऐसे लोगों के साथ में जब भाग्य रेखा का साथ ही ना हो।
अब अचानक से आपकी भाग्य रेखा उठी है राहु से, तो इसका फल जीवन में जरूर मिलेगा। आकस्मिक आपका जीवन में प्रोग्रेस होगा, आकस्मिक आप अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे, ये होगा आपके साथ पे। लेकिन अभी आपका उम्र पे टाइम है, तो समय तक तो आपको आप इसी रास्ते पे चलिए, आप अपना एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाइए। अभी अगर 50% पा रहे हैं तो और मेहनत करके 70% के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि लक का भी फेवर आपको नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक पीरियड कहा जाए तो खाली लक का फैक्टर है। ऐसे समय में आदमी को लक के भरोसे नहीं, अपने दम पे आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे लोग इस पीरियड से निकल सकते हैं, नहीं तो ये बहुत तंग करता है ऐसे समय में, ठीक है। बाकी हाँ, प्लानिंग एनालिटिकल पर्सनालिटी आपकी अच्छी रहेगी, प्लानिंग आपका सेक्शन लंबा है, प्लानिंग अच्छा करते होंगे, ये सोच विचार कर कार्य करने वालों के साथ में ये धनुषाकार स्ट्रक्चर बनता है। तो ये दोनों भी आपको बताता है कि आप अच्छे प्लानर हैं, और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से सोच विचार कर करने वाले लोग ऐसे लोग देखे जाते हैं। शनि की उंगली सीधी है, ये गंभीरता को भी बताता है इंसान के अंदर में, ऐसे लोग बहुत गंभीर होते हैं। हैं तो सोच विचार कर बड़ी गंभीरता से प्लानिंग करने के बाद में एग्जीक्यूशन की तरफ में आप जाते हो, ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो अच्छे प्लानर अच्छे मैनेजर इनको मैं कह सकता हूँ। अब देखिए बात करते हैं आपका पर्वत पे। आप पर्वत पे अगर देखें तो यहाँ पे खड़ी खड़ी लकीरें हैं, ये आपकी धन की स्थिति को बताती है। तो धन तो आपके पास अच्छा रहेगा, नो डाउट, मैं अभी के पीरियड में नहीं, लेकिन फ्यूचर में आप अच्छा धन कमाएंगे। आपका फिजिकल अपीयरेंस को भी ये बताता है, आपकी वाणी की सौम्यता को भी ये बताता है, वाणी भी आपकी मीठी वाणी होगी ऐसा ये बताता है। अब देखिए बात करते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली में, सूर्य की रेखा में कोई ज़्यादा दम नहीं है, बहुत बार टूट टूट के बनी है, तो ऐसे लोगों को जीवन में स्टॉप ले लेके आगे बढ़ना पड़ता है। कंटिन्यू नहीं होने के कारण से ऐसे लोग बार बार व्यवसाय व्यापार भी बदलते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। यश कमाने में ऐसे लोग को मान सम्मान कमाने में, अपना नाम कमाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा जब टूट टूट के चलता है तो, ठीक है। और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है इसकी, टूटने वाली रेखा की भी, तो थोड़ा तो आपको तंग करेगा मान सम्मान गेन करने में। हालांकि समय के साथ रेखाएं बदलती हैं, तो अभी जैसे आपका भाग्य के साथ जब मिलने चालू होगा आपको, तो ये रेखा में सुधार आपका समय के साथ हो सकता है, लेकिन अभी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में ऐसा दिखता है मेरे को। अब एक यहाँ बहुत बड़ा सा स्क्वायर बना है, या आपको इंटरनेशनल लेवल का या विदेश से जुड़ाव हो के आप कमाओगे, तो आप ऑलरेडी MNC में काम करते हो, तो MNC यानी विदेशी तंत्र से कोई भी प्रकार से जुड़ाव जब देखा जाता है, तो ऐसे लोगों के हाथ में आपको बड़ा स्क्वायर जरूर मिलता है। तो ये भी आपके साथ है, इसीलिए आप MNC में हो सकता है, कभी कल के डेट में फॉरेन भी चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। बाकी देखिए एक रेखा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एक ऐसी, ठीक है, सूर्य और शनि को कनेक्शन जब करता है ऐसा, तो ये जीवन में थोड़ा सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन के कारण से संघर्ष कराता है, धन के मामले में मान सम्मान के मामले में संघर्ष कराता है। लेकिन ऐसे लोगों का 42 के बाद से जीवन में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ये रेखा जब भी बनती है, और ख़ास करके ये तो सिंगल है, कभी कभी ये देखिए भी एक प्रकार से डबल बोल सकते हो आप इसको, ये जनरली डबल मिलता है हाथ में, ये डबल बनेगा। ऐसे लोग अच्छा करते हैं जीवन में, धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहती है, जीवन में प्रोग्रेस अच्छा करते हैं, ऐसा जब भी डबल ऐसा आपको मिलेगा, है ना। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये रहता है, इनका लाइफ का सेकंड हाफ यानी 42 के बाद से जाके ये धन दौलत में या फिर मान सम्मान में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके साथ में रहता है। बाकी अगर बात करें गुरु पे, तो गुरु पे कुछ कंप्लीट तो नहीं है, ये फिर टूट के ऐसी चल रही है, इस टाइप की रेखाएँ हैं। गुरु वाला पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसे लोगों को टूटा गुरु वाला है आपको धार्मिकता तो देता है, बेशक मैं मना नहीं करता, धार्मिकता आती है, भावना धार्मिक होते हैं ऐसे लोग। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आता है टूटने के कारण से, ऐसे लोगों को चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, ऐसे लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम देखी जाती है, ये सारे चीज़ इनके साथ में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपका मंगल पे। तो मंगल आपका बढ़िया स्ट्रांग है, दोनों मंगल सुपर स्ट्रांग है, तो आप भूमि भवन अपने दम पर आप ज़रूर बनाएंगे, ये भी आपका है। ऐसे लोग अपने दम पे भूमि भवन का संग्रह करते हैं, और बाहरी मंगल अच्छा है, ये मानसिक आपकी बलि है, मानसिक रूप से भी आप बड़े बलिष्ठ हैं, सोच समझ जैसे गंभीरता ये सब मैं बता ही रहा था ऑलरेडी, तो मानसिक रूप से भी आप सबल हैं, और फिजिकली भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन अभी अच्छी नहीं बोल सकता मैं, ये बार बार ऐसा जब कट लगता है ना, तो इतनी अच्छी इम्यूनिटी पावर होने के बाद भी आपने जीवन में बहुत कष्ट झेला है, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका यहाँ पे मंगल बता रहे हैं इम्यूनिटी आपका अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जितना भी कट आपको पड़ा है स्वास्थ्य से रिलेटेड ना होके ये आपको पारिवारिक
झमेला आपको जीवन में ज़्यादा मिला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हार्टलैंड में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जब ऐसे ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलते हैं ना, ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक दबाव या पारिवारिक बर्डन जीवन में बार बार झेलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है मंगल को देख के, मंगल तो अच्छा है, तो ये आपकी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ नहीं, ये आपको पारिवारिक कलह है जिसका बर्डन लेके आप चल रहे हो दिमाग में मेंटली, और उसमें आपकी बार बार धन का भी नुकसान हो रहा है, इसीलिए आ रहा है और जा रहा है वाली स्थिति बन रही है, ऐसा मेरे को क्यूमुलेटिव लग रहा है आपका हाथ देख के। आपने तो इतना डिटेल मुझे दिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपका बार बार ऐसा धन के नीचे रेखा जाना, मतलब बार बार डिपेंडेंट पे खर्च, और डिपेंडेंट पे खर्च के कारण से जीवन में परेशानी, और उसके कारण से मानसिक टेंशन, और उसके कारण से धन का संग्रह ना हो पाना, ये आपके साथ में दिखता है। क्योंकि आप जॉब तो कर रहे हैं और MNC में जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी ठीक ठाक है आपकी समझ लीजिए, उसके बावजूद भी धन की रेखा में ये प्रभाव है, तो ये मुझे समरी आपके हाथ का लगता है, आपके जीवन में ये घट रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और बाकी देखिए चंद्रमा बहुत अच्छा कंडीशन में है, फाइन चंद्रमा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा ये सेक्शन नेरो है, तो और जब कभी भी इस टाइप का आपको नेरो चंद्रमा मिले और माइंड लाइन ऐसी डिस्टर्बेंस मिलेगा, तो ऐसे लोग ना हमेशा मानसिक रूप से बेचैन रहते हैं, कभी इनको ये भले एकांत प्रिय रहें या लोगों के सामने मुस्कुराएं हंसें, लेकिन ये अंदर अंदर बहुत ज़्यादा इनका दिमाग बेचैन रहता है, बहुत सारी परेशानियाँ इनके दिमाग में एक साथ चलती रहती हैं, ऐसा देखा जाता है ऐसे लोगों के साथ में। और बाकी शुक्र का देखो, शुक्र का इसने एरिया बहुत कम लिया है आपके हाथ के हिसाब से, शुक्र का एरिया कम है, ये शुक्र का एरिया कम होना जो है ये सही नहीं है, ये आपका वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा तकलीफ देगा, हालांकि बहुत राउंड है, लाइफ स्मूथ बीतेगा, आप रोमांटिक भी हो ये भी बता रहा है आपका हार्ट लाइन, लेकिन फिर भी आपको पार्टनर से थोड़ा सा असंतोष आएगा, और आपको इस चीज़ को दिमाग में डाल के चलना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। मंगल रेखा भी लास्ट दिन में ऐसा दो फाड़ हो रहा है, तो ये भी सही कंडीशन नहीं दिखता है, तो हो सकता है कुछ वैवाहिक जीवन से रिलेटेड परेशानियाँ आएँ, लेकिन हालांकि ऐसी ज़्यादा कुछ सेपरेशन या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक असंतोष को दिखाता है, हो सकता है कि कुछ तालमेल में कुछ तो ऐसा खटास रहेगा, ये पूरा तरीके का शुक्र नहीं हो पाता, जब शुक्र का एरिया कम चला जाए, जीवन में शुक्र लाइफ में लग्जरीज का कारक है, भोग विलास की चीज़ों का कारक है, स्त्री सुख का कारक है, और यही जब पर्वत छोटा घेराव लेके चले ना, तो इन सारी चीज़ों में प्राप्त करने के लिए बहुत स्ट्रगल कराता है, और उसमें भी असंतोष देता है मिलने के बाद में, चीज़ें देर से मिलती हैं ऐसे लोगों को। अब देखो बात करते हैं आपका, मैं मुख्य रेखाओं पे बात करता हूँ, तो हार्ट लाइन आपका जैसे मैं बता रहा था, तीनों आप देखेंगे रेखा तो काली हैं, तीनों रेखाएं आपकी काली होकर चल रही थी, ऐसे लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये ऐसा देखने को मिलता है। और काली रेखाएं के साथ में ये मैं अगर आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ, नीचे बिल्कुल है ही नहीं, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत एकदम सामान्य स्तर में जाके आपके घर में आपकी पैदाइश हुई होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टार्टिंग में बहुत अच्छी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है, और धीरे 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 वो कंडीशन को सुधारने के लिए आपका इतना डिपेंडेंट पे खर्च होते रहा, आप बहुत मानसिक टेंशन झेल रहे हैं, और वो सुधारने के बाद से आप 32-33 के उम्र के बाद से आपके जीवन में बाहर आएगी, आप लिख के मानिए, आप हिम्मत मत हारिए, उदास मत होइए, ये अच्छा है, एक कमल की जैसे आपकी जीवन है जो कीचड़ से खिल के ऊपर आएगा, तो ऐसा आप पॉजिटिविटी बना के रखिए, अच्छा है आपका हाथ में, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं स्ट्रगल बहुत है आपको, लेकिन आप सक्सेस अच्छा करोगे, आपके हाथ में अच्छा जीत दिखता है मेरे को। बाकी देखिए हार्ट लाइन तो मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा ऐसा है इनके साथ में, डिपेंडेंट पे बार बार खर्च होगा, थोड़ा थोड़ा इमोशनली बीच बीच में परेशान भी रहेंगे, क्योंकि खटास यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो मैं इमोशनली और बाकी चीज़ों पे नहीं बोलूँगा, तो स्त्री सुख से यानी पत्नी के साइड से थोड़ी सी परेशानी इनको, या ससुराल से थोड़ी सी परेशानी इनको आ सकती है, शुक्र छोटा है। ठीक है, दूसरा चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, ये इनकी माइंड लाइन, यहाँ तक तो देखना ही नहीं है कि ख़राब है माइंड लाइन, तो ये लगभग आपका 35 के बाद से जाके माइंड लाइन सुधर रहा है, तो 35 के बाद में जाके इनके जीवन में थोड़ा सा मानसिक रूप से स्थिर हो पाएंगे और शांति भी मिलेगी, जो बेचैनी चल रही है उस बेचैनी से ये निकलेंगे, व्याकुलता एक बनी हुई है उससे निकलेंगे बाहर 35 के बाद में, तो अभी 10 साल करीबन और काफ़ी लंबा समय है, तो उस समय तक अपने मन को स्थिर करने के लिए बेचैनी जब भी महसूस हो, तो इंसान को अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, आप जिस भी इष्ट को मानते होंगे उनको उनके शरण में बैठ के अपने दिल की बात रख के मन हल्का कीजिए आप, हाँ, और
अपने बेस्ट के लिए जितना कर सकते हैं उतना कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। मानसिक बेचैनी लेके घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कैसे हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उस पर आप फोकस कीजिए, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा चीज़ देखते हैं आपका, देखो कुछ माइंड लाइन में इसमें जीवन रेखा में आपकी यहाँ तक, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से यहाँ तक कलर नहीं है, जीवन रेखा में कलर नहीं, उसके बाद से जीवन रेखा यहाँ से कलरफुल होना चालू हुआ। तो यहाँ तक की एज, मतलब समझो आप 18 साल के पीछे वाली एज, आपकी जीवन धारा कहाँ जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन था जीवन में, क्या लक्ष्य है जीवन में, क्यों बड़ा हो रहे हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना आदमी को पता ही नहीं होती हैं, वो क्या हो रहा है जीवन में, बस वो समय के साथ बहते रहता है, उसको कोई होश नहीं रहता है, ये अच्छी कंडीशन नहीं है। ऐसे समय में आदमी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसको प्रोग्रेस नहीं मिलता हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा मेहनत के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता ऐसे लोगों का, हर जगह टांग खिंचाई होने वाली काम होते रहती है। जब जीवन रेखा ही ऐसी हो जाए, फिर यहाँ से जीवन रेखा में कलर चढ़ गया, तो आप देखोगे 20-18 साल से आपके जीवन में कलर चढ़ना चालू हुआ। और एक रेखा देखो, ये बहुत अच्छी रेखा है, जब कभी जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के जाके हार्ट लाइन पर रुक जाए, ऐसी रेखा जब देखने को मिलेगी ना, तो ये ऐसे समय में क्या कराता है, ये आपको प्रोग्रेस देता है। काटना नहीं चाहिए, ध्यान रहे काटना नहीं चाहिए, ये काटेगा अगर तो फिर तो दिक्कत का बात है, फिर कुछ इमोशनल घटना का शिकार बना देती है, और जाके ऐसी रुक जाए आदमी सक्सेस करता है। तो यहाँ से आपका जॉब पे स्टेबिलिटी भी आ गया होगा 20 के आसपास के से मान लीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद से हाँ, लेकिन ये कुछ नेगेटिव पॉइंट भी इसमें मैं जोड़ दूँ, ये भी आपको कुछ इमोशनल हर्ट तो ज़रूर करेगा, लेकिन हाँ प्रोग्रेस की दृष्टि से देखोगे तो ये प्रोग्रेसिव रेखा मैं बोल सकता हूँ इसको। उसके बाद में देखो आप, ये प्रोग्रेस अच्छी प्रोग्रेस लाइनें हैं आपके हाथ में, लेकिन बीच बीच में राहु रेखा का कार्ड भी है, ये बीच बीच में तकलीफ भी आपको देते रहेगा। अब मैंने पहले ही बता दिया ये तकलीफ आपको स्वास्थ्य संबंधी नहीं लगता है, इम्यूनिटी लेवल ठीक है आपका, मुझे लगता है ये पारिवारिक टेंशन आपको बना रहेगा अभी, ठीक है, तो ये चलते रहेगा। तो अपन बात कर रहे थे 20 के बाद में आपको 23 में आप हो सकता है कहीं एक 20 और 23-24 के आसपास में एक प्रोग्रेस मिलेगा आपको, और ये प्रोग्रेस में हो सकता है कहीं आप दूर जा चले जाएं, या फिर प्लांट अपना जो भी फैक्ट्री में अगर काम करते हैं या फिर कोई भी चीज़ में काम करते हैं तो वो चेंज करने के बाद में आप जंप लेना, जैसे होता है ना आजकल का ट्रेंड, उस ट्रेंड ऐसा कुछ ट्रेंड मुझे दिखता है 24 के आसपास के एज में, 24-25 के एज में, 25 पकड़ो आप, ठीक है 25 के एज में एक ऐसा चेंजेस हो सकता है, या फिर वो नहीं हुआ तो कुछ टूर ट्रेवल की तरफ में भी इशारा करता है। उसके बाद में फिर एक कुछ राहु रेखा प्रॉब्लम, उसके बाद फिर प्रॉब्लम, ऐसा करके हर दो दो तीन तीन साल में एक कट लग रहा है यहाँ तक जाते तक। तो ये 25, 35 और 33 साल के एज तक आपकी जीवन रेखा में बार बार से परेशानियाँ आ रही हैं। अब इसमें एक एक काउंट करके बताना सही नहीं है, दो तीन साल में एक कट तो लग ही रहा है, वही चीज़ आपका 35 साल तक माइंड लाइन में भी है, लेकिन उसके बाद से जीवन में आप ये देखो एक बहुत अच्छी रेखा आपकी है, एक यहाँ से एक रेखा जाके बिल्कुल टिल्ट हो रही है यहाँ पे, तो ये आपको अथॉरिटी पावर दिलाएगा, गुरु साइड झांक रही है। तो लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है आने के लिए, इसमें कभी भी प्रोग्रेस लाइन जाके माइंड लाइन पर रुके ना तो ये ख़राब हो जाता है, आदमी अपनी ही बेवकूफ़ियों से इस अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ नहीं उठा पाता है। तो इस समय ध्यान रखना आपको कि ऐसा स्थिति जनरेट हो तो अपना सोच समझ के दूसरे सजेस्ट कर लेके अपना वो अपॉर्चुनिटी खोना नहीं है। ये लगभग आपका 36 के एज में आएगा ये अपॉर्चुनिटी, तो 36 के एज के आसपास में जो बहुत बड़ा प्रोग्रेस आपको जीवन में मिलेगा, इस पे ध्यान रखना है। और ये किंतु परंतु वाली बात आ रही है, मुझे लगता है कि ये रेखा यहाँ से उठ के गई है, अगर ये ऐसी गई है तो ये शुक्र की रेखा हो गई, तब फिर आपको 36 के एज में कुछ बहुत बड़ा गेन होगा, ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर कुछ अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। ये अचानक धन या ससुराल से धन को दिलाता है ये रेखा, तो ये अच्छी रेखा है, धन की प्राप्ति जरूर कराएगी 36 के आसपास में। फिर आप देखोगे 39 के एज में एक प्रोग्रेस है, फिर आपका 41-42 के आसपास है, उसके बाद 48 के आसपास है, उसके बाद में प्रोग्रेसिव बहुत आपकी लाइनें अच्छी हैं हाथ में, प्रोग्रेस की लाइनें बहुत सारी हैं। ये राजयोग है, जब भी ये लाइन ही अगर खाली जीवन रेखा को देख लो तो समझ में आता है कि जीवन में आदमी इंसान प्रोग्रेस करेगा और अच्छा कुछ जीवन में अपना कार्य करेगा, ये ऐसा है, ये राजयोग के समान काम करता है, अच्छी रेखाएँ हैं। तो धन की स्थिति के लिए आप चिंता मत कीजिए, बस आपको अभी अपने मेहनत के दम पे जीना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य रेखा में अगर हम आएँ तो ये देखो आप, मैं भाग्य रेखा आपकी कैलकुलेशन करता हूँ, ये
ये आपका 35 मान लो, ये 50% 50% इधर, तो ये 35 के आसपास से, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 32 पकड़ो आप, 32 के एज से धन की रेखा की कलर तो चढ़नी चालू हो गई है, लेकिन 35 तक में जाके वो बराबर तरीके से कलरफुल हो रही है और धन की रेखा में सुधार हो रहा है। तो मैं फिर भी यही बोलूँगा कि 35 साल के बाद से आपका जीवन उत्तम हो जाएगा, उसके लिए नो डाउट 35 साल के बाद से आपको धन के मामले में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये मान के चल लेना, ठीक है। आपका जीवन उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी धन को संघर्ष को लेके, और मानसिक रूप से भी आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हो जाएंगे, जिस प्रकार का उलझन और बेचैनी अभी दिमाग में चल रहा है इसमें भी कमी आएगी, ठीक है। तो आप अभी जिस भी इष्ट को मानते हैं उनके शरण में भगवान भक्ति में ध्यान लगाइए, जब ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा बेचैनी आपके दिमाग में चल रही होगी, ऐसी बेचैनी बहुत प्रॉब्लम देती है, तो उससे उपाय का आध्यात्मिक उपाय है, और मैं कोई पत्थर वत्थर कभी सजेस्ट किसी को करता नहीं, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं उस पर आपको नहीं करूँगा, लेकिन हाँ 35 के बाद से जीवन आपका अच्छी हो जाएगी और आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।